हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ योर CMA इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5। तो इस लेक्चर में तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा, भैया कंसाइनमेंट अभी खत्म करके आए, उसके बाद अब जॉइंट वेंचर चालू हो रहा है। तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, फाउंडेशन में तुम लोग पढ़े हुए ऑलरेडी जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ जॉइंट वेंचर आता है, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में तुम लोगों को कराने वाला हूँ पावर पैक रिवीजन ऑफ द जर्नल एंट्रीज ऑफ जॉइंट वेंचर, क्योंकि जर्नल एंट्री आती है तो हम लोगों को लेजर बन जाता है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड रुको, आप क्यों ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि हम लोग को जॉइंट वेंचर आता है? मेरे को तो नहीं आता जॉइंट वेंचर, अब कैसे करोगे बताओ? नहीं, आपने आप गलत है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यू कैन नॉट अज्यूम कि मैं फाउंडेशन में जॉइंट वेंचर पढ़ाऊ, मैंने तो जॉइंट वेंचर ऑप्शन में छोड़ा था फाउंडेशन में, तब कैसे करोगे आप? हमको शुरू से पढ़ाओ, कोई रिवीजन रिवीजन नहीं, बंद करो वीडियो। तो मैं बोला बेटा ये वीडियो यहां पर डालने का मैं तुमको रीजन बता रहा हूं। रीजन नंबर 1, दो टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे लेक्चर। एक बच्चे जो ऑलरेडी जॉइंट वेंचर में कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जॉइंट वेंचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द सुपर इजी चैप्टर्स, ठीक है। जब एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तो जॉइंट वेंचर से इजी चैप्टर लगता ही नहीं कोई सा। तो प्लस एग्जाम में हमारी वेटेज ठीक है, ओके ओके है, ठीक है, 2 से 4 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो लेकिन जॉइंट वेंचर करना तो है, कोई भी चैप्टर हम ऑप्शन में नहीं छोड़ रहे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, टीचर जो है ना पार्टनरशिप पहले कराने लगते हैं, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, रॉयल्टीज, डिपार्टमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सब, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये सब पहले करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है। वी नो दैट एग्जाम में ये सबका वेटेज ज्यादा है, बट वॉट वी आर सेइंग इज यार है अभी हमारे पास समय एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं ना, शुरू शुरू में इजी इजी चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा एक मेंटली भी थोड़ा सा वो होगा, और प्लस अभी ताजा ताजा फाउंडेशन में पढ़े हैं तो इंटर में बेसिकली एक रिविजन हो जा रहा है अच्छा खासा, और अच्छे से बन जाएगा फिर उसका टफ चैप्टर। तो बस अब नेक्स्ट चैप्टर बस इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, बस वहां से नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया। अब इसके बाद तुमको सब चीज एकदम वो एनपीओ और उसको छोड़ के, क्या नाम है, फाइनल अकाउंट्स को छोड़ के सब कुछ नया नया ऐसा लगेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें तुम कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बट द पॉइंट इज कि ये सब चैप्टर हम कर लेते हैं लगे हाथ खत्म, मेरा ये कहना रहता है, ठीक है, और सीक्वेंस में कर लेते हैं, क्या दिक्कत। वैसे वीडियो लेक्चर है, जो बच्चे पार्टनरशिप चाहे वो पार्टनरशिप भी देख लेते हैं पहले, पर मेरा ये मानना है कि सीक्वेंस में करके पहले शुरू वाले जो चैप्टर्स हैं इनका ओवरऑल एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का वेटेज बनता है पूरा मिला के, है ना। तो 20 मार्क्स हम श्योर कर ले कि पहले से पढ़ी हुई चीजें रिवाइज कर लिए, 20 में 18 तो ले आएंगे, एक आध दो मार्क्स की गलती हो गई तो बात यहां पर ऐसी उठती, तो इस वजह से मैं वो बोल रहा था। तो देखो ये वाला वीडियो यहां पर डालने का रीजन ये है, मैं डायरेक्टली यहां पर जॉइंट वेंचर का फाउंडेशन वाला लेक्चर डाल रहा था, ठीक है, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में मैंने अल्ट्रा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे कंसाइनमेंट का समझाया, ठीक है, वैसे ही अल्ट्रा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने फाउंडेशन वाले समझाए हैं, ठीक है। तो वहां से जो बच्चे जॉइंट वेंचर ऑप्शन में छोड़े थे, या जो बच्चों को जॉइंट वेंचर क्लियर नहीं है, या जो बच्चों को जॉइंट वेंचर में कॉन्फिडेंस नहीं है, एनी कोई भी रीजन है, या तो मैं तो एक और चीज रेकमेंड कर रहा हूँ, स्पीड ऑप्शन है तुम्हारे हाथ में। जो बच्चों को जॉइंट वेंचर बनता भी है, अब एकदम बहुत ही अच्छा बनता है, 100% बनता है तब नहीं बोलूंगा, पर ठीक है 70-80% भी बनता है, 1.5 की स्पीड में देख लेना, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर के बाद तुम लोगों को, इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर से तुमको फाउंडेशन की जॉइंट वेंचर की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने फाउंडेशन की बुक के सारे क्वेश्चन कराए, और जैसे ही फाउंडेशन के बुक के सारे क्वेश्चन खत्म होंगे हम लोग इंटर की बुक के क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। और इंटर की बुक में फाउंडेशन की बुक के 2-3 क्वेश्चन सेम है, ठीक है, तो वो 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे फाउंडेशन वाले लेक्चर से ही कवर हो जाएंगे इंटर की बुक के, तो वो तुम बुक खोल के देख लेना, ठीक है। तुम्हारी इंटर की बुक में 3-4 क्वेश्चन जो है वो फाउंडेशन की बुक के जैसे सेम है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया, फाउंडेशन से उठा के इंटर में भी डाल दिया गया, ठीक है। तो वो तुम लोग सेम टू सेम बुक से कर लेना, टिक मार लेना कि हाँ ये तो हो गया, बाकी तो मैं लेक्चर में कराऊंगा। तो अभी मैं करा रहा हूं रिवीजन उन बच्चों के लिए, और बेसिकली एक साथ तीनों कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू एड्रेस इन दिस लेक्चर इज दैट यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अमंग थ्री, यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अमंग थ्री, बिकॉज लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज इन सेकंड एंड थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थ्री कॉन्सेप्ट्स आर देयर फॉर जॉइंट वेंचर, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स और मेमोरेंडम, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज इन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड मेमोरेंडम, गाइस ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, तुम लोग कैसे कंफ्यूज होता है मेरे को नहीं समझ में आया, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर का मतलब छोटा सा जान लेते हैं। जॉइंट वेंचर होती है टेम्पररी पार्टनरशिप, क्या होती है टेम्पररी पार्टनरशिप। हम लोग बिजनेस में एज्यूम करके चलते हैं कि हम जब बिजनेस चालू कर रहे हैं, वेन वी आर कमेंसिंग द बिजनेस वी जस्ट एज्यूम दैट बिजनेस इज गोइंग टू बी लाइक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब हम बिजनेस बंद करने के लिए चालू नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस चलाने के लिए चालू कर रहे हैं, हम बिजनेस चलाने के लिए चालू कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि हम बिजनेस को बंद कर देंगे आगे चल के, तो गोइंग कंसर्न। बट जॉइंट वेंचर का लॉजिक थोड़ा अलग है। जॉइंट वेंचर क्या करता है, दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और उनको पता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाले हैं, उनको पता है हम शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने 8 महीने 1 साल, ठीक है, कभी कभी 1 साल के ऊपर भी जाता है, कभी कभार जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो
उस सिचुएशन में बनता है जॉइंट वेंचर. दिस इज गोइंग टू बी द टेम्पररी पार्टनरशिप. जैसे यहां पर कार्यक्रम खत्म हुआ, जैसे ये बिल्डिंग बन गई, जैसे ये ब्रिज बन गया, जैसे ये बंगला बन गया, तुम्हारा बंगला बन गया, तुम लोग फ्यूचर में बंगला बनवाओगे, छोटा सा बंगला बनवाओगे फ्यूचर में, तो वो जब बंगला बन गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है जॉइंट वेंचर की, टेम्पररी पार्टनरशिप. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो नहीं लगता है. ठीक है, उनको पता है कि फिक्स पीरियड के लिए हम लोग साथ में, जैसे पीरियड खत्म बाय बाय गुड नाइट, प्रॉफिट लो और चलते बनो. ठीक है, तो दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. ठीक है, तीन तरीके का हम लोगों को अकाउंटिंग देखने को मिलता है जॉइंट वेंचर के अंदर. थ्योरी में आई एम नॉट गोइंग. ठीक है, थ्योरी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट, लाइक लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ही नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसलिए थ्योरी में हम जा नहीं रहे. हम देख रहे हैं कि तीन तरीके की अकाउंटिंग हम करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है, तीन तरीके का हम करते हैं. सेकंड वाले मेथड को इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचरर भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम एक बार रिकलेक्ट करते हैं कौन कौन सा अकाउंट हम लोग बना सकते हैं. अगर पहला वाला मेथड आ रहा है तो हम एक बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं को वेंचरर अकाउंट, और तीसरा हम बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट. इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे. ठीक है, सेकंड मेथड में हम जॉइंट वेंचर और अदर को वेंचरर अकाउंट बनाते हैं, और तीसरे में हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट बनाते हैं. तो ये तुम लोग को सामने दिख रहा होगा, ये तुम लोग लिख सकते हो फॉर द सेक ऑफ रिविजन एंड फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल. तुम लोग को दिख रहा होगा भाई सेकंड और थर्ड में डिफरेंस. एक में तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बन रहा है, एक में जॉइंट वेंचर खुद बन रहा है, एक में अदर को वेंचरर अकाउंट बन रहा है, एक में जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर अकाउंट बन रहा है. ठीक है, तो डिफरेंस तो वैसे दिख रहा होगा, पर अभी हम जब बात करेंगे ना इसके ऊपर, जब हम समझाएंगे ना आपको, जब हम इसकी अकाउंटिंग आपको दिखाएंगे ना, आपको क्लियर डिफरेंस दिखने लगेगा. मतलब आपकी एकदम तीसरी आंख खोल देंगे हम. ठीक है, अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग तीसरी आंख है, जिसकी तीसरी आंख खुली उसकी अकाउंटिंग हो गई. जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो, दुनिया की अकाउंटिंग पढ़ो, ठीक है, तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी अकाउंटिंग. तीसरी आंख मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरी आंख का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू आपको खोलना पड़ेगा, अकाउंटेंट की तरह सोचना पड़ेगा. तो देखो, पहला मेथड है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. पहले मैं बताता हूं इस बारे में चर्चा क्या होती है. देखो थोड़ा सा यहां पर गोदागादी भी हम करेंगे. लेट मी टेक आउट माय पेन. दो इंसान हैं, एक्स एज यूजुअल और वाई, यूनिवर्सल एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग. एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं. ठीक है, तो ये दो व्यक्ति, अब भैया दो ही व्यक्ति क्यों ले रहे हो, तीन व्यक्ति नहीं कर सकते, चार व्यक्ति नहीं कर सकते? कर सकते बेटा, तुम्हारे बुक में सारे क्वेश्चन दो व्यक्ति के ऊपर ही है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन दो ही व्यक्ति के ऊपर आते हैं, इसलिए दो व्यक्ति हम लेते हैं. टू पर्सन्स एक्स एंड वाई है ना, एग्रीड टू बी इन अ जॉइंट वेंचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, वी कैन से. ठीक है, तो एक्स भी एक कॉन्ट्रैक्टर है और वाई भैया भी हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर है. एक्स भैया भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वाई भैया भी कॉन्ट्रैक्टर हैं. ठीक है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर हैं, दोनों अपनी अपनी जो भी काम करते हैं, एक्स अपना काम करता है, वाई अपना काम करता है. एक्स रहता है क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, वाई रहता है गुजरात में. ठीक है, तो अब महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में, महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर है, ठीक है, वहां पर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हम बोले आधा महाराष्ट्र वालों को हिस्से का, आधा गुजरात वालों को हिस्से का. ना आप गुस्सा होगे ना हम गुस्सा होंगे. ठीक है, दोनों का आधा आधा काम देंगे. तो एक्स भैया हमारे महाराष्ट्र वाले हैं, वाई भैया हमारे गुजरात वाले हैं. ठीक है, तो दोनों को काम मिला, दोनों एक साथ हाथ मिलाए. ठीक है, ओके, एग्रीमेंट. ठीक है, कि हम लोग ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे, हम लोग ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे. ठीक है, तो इस सिचुएशन में अभी लोगों के पास तीन अल्टरनेटिव होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, अकाउंटिंग करने के तीन अलग अलग वो होते हैं, तरीके इन लोगों के पास होते हैं जॉइंट वेंचर में. तो पहला होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. मैं तुम लोगों को पहले बता दूं, जॉइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग है उसको सबसे ईजी वे में किया गया. मतलब अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल्स यहां पर जो है वो नहीं हमको फॉलो करने पड़ते बिकॉज ऑफ सम रीजंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्पररी पीरियड ऑफ द जॉइंट वेंचर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हियर. ठीक है, बिकॉज कोई बिजनेस है ही नहीं है, ये तो छोटे से समय का पार्टनर है, जो आए प्रॉफिट कमाए और निकल लिए अपने रास्ते. ठीक है, तो पहला सेपरेट सेट ऑफ बुक जिसके अंदर इन लोग बोलते हैं कि मैं भी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा, आप भी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, दोनों अपने अपने बुक में जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएंगे. जॉइंट वेंचर अकाउंट के ऊपर अभी हम करेंगे चर्चा, टेंशन मतलब रिवीजन ही चल रहा है. ठीक है, अच्छा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हम भी बनाएंगे, आप भी बनाओगे. ठीक है, हम भी आपका अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, हम आप और आप भी हमारा अकाउंट बनाना. ठीक है, मतलब को वेंचरर्स आपस में. एक्स और वाई क्या है, को वेंचरर ऑफ द जॉइंट वेंचर. एक्स और वाई जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाते हैं, जॉइंट वेंचर में को वेंचरर कहलाते हैं. जॉइंट वेंचर में को वेंचरर कहलाते हैं. हम भी आपका अकाउंट बनेंगे, आप भी आपका अकाउंट बना. प्लस हम दोनों जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, हम दोनों ये जो प्रोजेक्ट है बिल्डिंग बनाने का है ना, हेडक्वार्टर्स बन रहा है बीच में महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में हेडक्वार्टर्स बन रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस पे जो हम पैसा लगा रहे हैं दोनों, आप भी कुछ पैसा लगा लो. ठीक है, 100 करोड़
हम भी कुछ 100 करोड़ लगा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग अच्छी मस्त मल्टीपर्पज बिल्डिंग बन रही है ना, तो पूरा पूरा एप्पल प्रोडक्ट लगेगा वहां पर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आप भी कुछ पैसा लगा रहे हो 100 करोड़, हम भी पैसा लगा रहे हैं, तो एक काम करते हैं कॉमन अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, वहां पर पैसे को डाल देते हैं, फिर वहीं से निकाल के खर्चा करते रहेंगे, तो लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने इतना दिया था, आपने इतना दिया था, आप इतना पैसा दिए थे, हम इतना पैसा दिए थे, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक कॉमन अकाउंट खोलते हैं, दोनों अपना पैसा कैपिटल का उसमें डाल देते हैं, ठीक है, फिर उसी से निकाल निकाल के खर्चा करते रहेंगे, जो भी मटेरियल एसेट वगैरह परचेस करना है, जो भी एक्सपेंसेस पे करना है, वेजेस वेजेस पे करना है, वो सारी चीज हम करते रहेंगे। तो ये इनके बीच में डिसीजन हुआ। तो ये है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, क्या क्या अकाउंट बनाने का डिसीजन हुआ, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, टू फाइंड आउट पीएनएल। मैं बता रहा हूं तुमको, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेचर का अकाउंट है, मतलब ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है किसका, पीएनएल अकाउंट का, ज्वाइंट वेंचर के केस में। क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इन द ज्वाइंट वेंचर। दूसरा है को वेंचर अकाउंट, दूसरा कौन सा है, को वेंचर, ये किसका सब्स्टिट्यूट है, कैपिटल अकाउंट का। बेसिकली पार्टनरशिप में कौन होते हैं, कैपिटल होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं हम उसको कैपिटल बोलते हैं, और फिर इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ज्वाइंट वेंचर में लोग जो पैसा लगाते हैं तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कैपिटल ही बोलते हैं, और जो अब जो आदमी का नाम है उसको हम बोलते हैं को वेंचरर, और को वेंचरर का अकाउंट बना रहे हैं हम उसका कैपिटल दिखाने के लिए। को वेंचरर का अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, उसका कैपिटल दिखाने के लिए, ठीक है। और तीसरा बनता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जहां पर लोग पैसा दिखाते हैं, इससे ज्यादा अकाउंट नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड कर दिया तो बात अलग है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला नहीं है अकाउंट बना के दिखाओ तो बना देंगे, अकाउंट बनाना हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी आर अकाउंटेंट्स, ठीक है, वी आर फ्यूचर अकाउंटेंट्स, वी आर गोइंग टू किल इट इन फ्यूचर, है ना, तो वी आर फ्यूचर अकाउंटेंट्स, अकाउंट बनाना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, भैया कितने अकाउंट बनवाने हैं बस एक बार बोल दो, हम बनवा के देते हैं, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है, पर मेजरली तीन अकाउंट्स हमको बनाने रहते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आता है, अब उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। तो देखो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, तो अब एक एक करके क्या क्या हुआ होगा उसको हम इमेजिन करते हैं और उसके साथ हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो अकाउंटेंट जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं क्या वो इंसान नहीं थे, क्या क्या भगवान या किसी पुराण में लिखा हुआ है अकाउंटिंग, नहीं ना, वो भी इंसान थे ना, तो वो भी सोच के अकाउंटिंग करें ना, तो हम भी सोच के क्यों नहीं अकाउंटिंग कर सकते, तो हम भी सोच सोच के बनाएंगे अकाउंटिंग। तो पहले सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किए, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किए, कम ऑन गाइस, सबसे पहले स्टार्ट किए बिजनेस, तो क्या आया होगा, पैसा आया होगा बिजनेस में, बिजनेस में पैसा होगा, ज्वाइंट वेंचर चालू कर रहे तो उसमें पैसा आया होगा, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की देखो जरा क्या एंट्री है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, वाई ज्वाइंट बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट हुई, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई, बैंक में पैसा आया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। या अगर पार्टनरशिप को याद करो, अगर पार्टनरशिप पढ़े हो तो, नहीं याद करो नहीं पढ़े हो तो क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर ने दिया, को वेंचरर ने दिया, को वेंचरर को हम क्या बना दिए, क्रेडिटर बना दिए, को वेंचरर को हम क्रेडिटर बना दिए, क्यों, क्योंकि फिर ज्वाइंट वेंचर खत्म होने के बाद हम इसको पेमेंट करेंगे, इसके कैपिटल को हम वापस करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसके कैपिटल को वापस करेंगे। क्रेडिटर बना दिया गया, मतलब बेसिकली हमको उसको पैसा देना है, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब तुम लोग ये बस समझते हो कि जिससे क्रेडिट में हम परचेस किए गुड्स, भाई उसको क्रेडिटर मतलब तुम ये समझो हमको जिसको पैसा देना है, ठीक है, हम जो जिसके लिए उधारी है हमको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर बना दिए और ज्वाइंट बैंक में पैसा आ गया। दूसरा क्या हुआ होगा, सोचो अब पैसा आ गया है, अब क्या कर रहे होंगे हम लोग, पैसा तो आ चुका है, अब कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, मिक्सिंग मशीन लगेगी, वो जो मिक्सिंग मशीन आती है ना, बॉब द बिल्डर देखे होगे तो मिक्सिंग मशीन, तो वो लगेगी, बहुत सारे एसेट्स लगेंगे, ठीक है, बांस वास मंगाते हैं लगाने के लिए, आजकल तो लोहे वाला सिस्टम है, एकदम हाईटेक सिस्टम चल रहा है, लोहे के वो बनाओ, खाचे बनाओ, उसमें सीमेंट डालो, घर बनके रेडी हो जाता है, खाचे को निकाल दो बाद में, एकदम हाईटेक सिस्टम आ गए, तो उसके लिए एसेट्स परचेस करने पड़ेंगे, है ना, जो एसेट्स काम पे लगने वाले हैं, प्लस हम लोगों को सीमेंट मंगाना पड़ेगा, गिट्टी मंगाना पड़ेगा, रेती मंगाना पड़ेगा, पुट्टी मंगाना पड़ेगा, पेंट मंगाना पड़ेगा, बहुत सारे मटेरियल मंगाने पड़ेंगे, तो मटेरियल परचेस करेंगे, फिर उसके लेबर्स को पेमेंट करेंगे, तो वेजेस वगैरह पे करेंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, न्यूमरस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होंगे। तो कोई भी मटेरियल खर्चा करो, कोई भी एसेट परचेस करो, किसी भी दुनिया का कोई भी एक्सपेंस करो, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसा कहां से जाएगा भैया, बैंक से जाएगा, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से निकल के चला जाएगा, तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू
ज्वाइंट बैंक अकाउंट, समझे? तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, चाहे मटेरियल हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे एक्सपेंस हो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो मटेरियल के लिए तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, जब हम एसेट परचेस करते हैं जैसे मान लो मशीन परचेस करते हैं तो तब तो हम लोग मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं तो हम लोग एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो यहां पर क्यों नहीं, यहां पर क्यों नहीं, ऐसा बच्चों का डाउट आता है। फाउंडेशन में तो भाई इतना बच्चे सोचते नहीं है, पर इंटर में मैं अगर नहीं भी सोचोगे, मैं जानबूझ के तुम लोग को सोचवाऊंगा ये चीज, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि आई वॉन्ट क्लियर पिक्चर, है ना, क्लियर पिक्चर मेरे को चाहिए, मेरे को 4K में अच्छा लगता है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, 4K 8K मतलब जो भी लेटेस्ट हो, ठीक है, 4K ही लेटेस्ट चल रहा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये लाइन पढ़ लो, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। If you remember guys, जब मैं तुम लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने पढ़ा था एक करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है, तो करंट एसेट हम कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज अ करंट एसेट, भैया 12 महीने से कम के लिए करंट एसेट है, 12 महीने से ज्यादा के लिए नॉन करंट एसेट है, यस एग्रीड गाइस। तो वो क्यों हम लोग क्यों हम लोग एसेट्स को दो हिस्सों में बांट दिए, क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भेदभाव, क्यों करंट एसेट बना रहे, क्यों करंट लायबिलिटी बना रहे, क्यों नॉन करंट लायबिलिटी बना रहे, क्यों नॉन करंट एसेट बना रहे, व्हाई दिस भेदभाव, क्योंकि बिजनेस जो है लॉन्ग रन में चलेगा, लॉन्ग रन में चलेगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या हमारा वर्किंग कैपिटल है, क्या क्या हमारा नॉन करंट नेचर के आइटम्स है। पर जब यहां पर बिजनेस को चलना ही नहीं है गोइंग कंसर्न में, तो सारे एक्सपेंस को डेबिट मारो, बैंक से पेमेंट करो, खत्म करो मैटर, प्रॉफिट निकालो, है ना, क्यों, इसीलिए यहां पर हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं एसेट मटेरियल एक्सपेंसेस को अलग अलग, एवरीथिंग विच इज लाइक इनकर्ड, जो हम लोग का पैसा ले गया एक्सपेंस है हमारा, तो हम हर चीज को यहाँ पर एक्सपेंस ही मान रहे हैं, चाहे मटेरियल परचेस करो एक्सपेंस है, चाहे एसेट परचेस करो एक्सपेंस है, चाहे तुम एक्सपेंस करो एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस के लिए तो एक्सपेंस ही है। तो बच्चे एक और डाउट पूछेंगे, खुरापाती एक और डाउट पूछेंगे, भैया मैंने बोला यस, तो मिक्सिंग मशीन तो काम खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगी, थोड़ी ना उस प्रोजेक्ट के बाद आप मिक्सिंग मशीन को फेंक दोगे, मिक्सिंग मशीन तो जिंदा रहेगी ना। तो मैं बोला बेटा रुको, सबर करो, आगे देखो। फिर उसके बाद बोल रहा है एनी मटेरियल एसेट सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय को वेंचरर, अगर बाय चांस मान लो जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, उस टाइम सर्वर डाउन था, ठीक है, सर्वर डाउन, आजकल है ना बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं सोशल मीडिया में लोग, तो सर्वर डाउन था, किसी वजह से बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा था, या जिस सप्लायर के पास गया वो बोला मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं लेता, कैश ही है, कैश दे, कैश में बात करता हूं मैं, तो सिचुएशन में को वेंचरर के पास पैसा पड़ा हुआ था, तो को वेंचरर अपने जेब से पैसा दे दिया, कोवेंचर अपने जेब से पैसा दे दिया, तो एक तो सबसे पहली बात ये एक्सपेंस है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, है तो एक्सपेंस, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। टू, ज्वाइंट बैंक के जगह, क्योंकि मेरे बैंक से तो पैसा गया नहीं, जो ज्वाइंट बैंक में बनाया था उससे पैसा नहीं गया, कोवेंचर अपने जेब से निकाला पैसा और दे दिया, ठीक है, तो टू कोवेंचर अकाउंट कर दूंगा, उसकी कैपिटल को मैंने बढ़ा दिया, क्रेडिट किया मतलब उसकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, क्रेडिट होने का मतलब उसकी कैपिटल बढ़ गई, बाद में उसको पैसा मिल जाएगा सेटलमेंट के टाइम, ठीक है। अब कोई रिसिप्ट हुई, अब रिसीव किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया आपको, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पैसा मिल गया आपको, आपको कोई एसेट सेल कर दिया, आप देखो यही चीज मैं बोल रहा था कि एसेट हम सेल भी कर देते हैं, कोई मटेरियल बच गया उसको आपने बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, पैसा आएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया मेरे पास टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, भाई जहां पर ये एक्सपेंसेस डेबिट हुए थे वहीं पर ये इनकम बुक होंगे ना, तो इनकम किधर बुक होंगे, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई बिल्कुल भी टेंशन की बात ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अकाउंटिंग है ही नहीं, कुछ नहीं बनाना है, एक ही अकाउंट में आपकी दुनिया सीमित है और वो है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आपको पूरा कार्यक्रम, पूरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में दिखाओ, पूरे इनकम्स एंड क्रेडिट में दिखाओ, पूरा कार्यक्रम वहीं आपका रिवॉल्विंग अराउंड होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के, तो ज्वाइंट वेंचर इधर क्रेडिट हो गया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला मेरे को बेचने से, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इनकम बुक हो गई क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या हो गई, इनकम बुक हो गई, ठीक है। फिर आ रहा है एनी मटेरियल एसेट टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, अब कोई मटेरियल बच गया, अब दोनों कॉन्ट्रैक्टर है, सीमेंट बच गया किसी के भी काम आ जाएगा, ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्टर ही है, प्लस कोई एसेट मिक्सिंग मशीन हो गई, तो एक बंदा बोल रहा है अरे मेरे पास मिक्सिंग मशीन नहीं थी, मैं हमेशा किराए से लाता था, काम करता हूं मैं ले जाता हूं इसको, तो ले गया, तो अगर कोई एसेट वैसेट ले गया तो एक तो लेके जा रहे हैं तो उनका कैपिटल हम कम करेंगे, है ना, एसेट टेकन ओवर तो उनका कैपिटल हम उतने अमाउंट से कम करेंगे, तो कोवेंचरर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और भाई लेके जा रहे हैं तो बस ज्वाइंट वेंचर के लिए इनकम हो गई ना, खरीद के लेके नहीं जा रहे हैं, पर उनके कैपिटल से हम कम तो कर रहे हैं ना, अब उनको हम कम पैसा देंगे, उनको अब हम कम पैसा देंगे, मान लो 1,00,000 देना था, 40,000 की मशीन ले गया तो अब मैं उसको 60,000 रुपए दूंगा, सिंपल है ना, तो बात तो वही है, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पढ़ो, बात तो वही है, चाहे हम कैश में दे चाहे कोई कोवेंचरर उठा के ले जाए, बात तो एक ही है, ठीक है, कोवेंचरर को सस्ते में मिल जा रहा होगा तो ले गया होगा, तो कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप अगर तुम लोग पढ़े हो तो याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे हम लोग, ठीक है।
बस ये याद रखना, एसेट का नामकरण संस्कार मत कर देना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में रखना उसको, क्योंकि वी वॉन्ट लिमिटेड अकाउंटिंग, वाई, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो वी वॉन्ट लिमिटेड अकाउंटिंग। एनी लॉस वेदर नॉर्मल और एब नॉर्मल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस की यहाँ पर एंट्री नहीं होती है भैया, रीजन बताओ, इंडिया वॉन्ट्स टू नो, वी वॉन्ट्स टू नो द रीजन, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द रीजन टुमारो, बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाला हूँ आज में, कि यहाँ पर नॉर्मल या एब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों नहीं होती है। तो एग्जाम्पल लो, मान लो मैंने 10,000 का मटेरियल परचेस किया, ठीक है, 10,000 का मटेरियल मैंने परचेस कर लिया, ठीक है, तो ये मेरा डेबिट साइड आ गया और ये क्रेडिट साइड, जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब उसके बाद सारी इनकम 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 सब बुक होगी, मान लो इनकम इनकम बुक हो गई 50,000 रुपए की, और कुछ एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस भी हुए हैं 2,000-5,000 के, कुछ 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 ऐसे खर्चे हुए हैं, ठीक है। अब मैं निकाला प्रॉफिट, तो मैं क्या बोला, मेरे को नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ये अब नॉर्मल लॉस हो गया, दोनों में से कुछ भी हो गया 5,000 रुपए का। तो भाई तुम लोग बोले भैया क्रेडिट साइड लिखो ना 5,000 रुपए, तो पहली बात तो मैं बोला क्रेडिट साइड इनकम बुक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड तो इनकम बुक होती है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, तुम लोग अगर बोलोगे भैया डेबिट साइड भी अगर आप बुक करना चाहो, अगर आप डेबिट साइड भी बुक करना चाहो या नॉर्मल या नॉर्मल लॉस को, तो मैं बोला नहीं बुक होगा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल इज डेबिटेड इन दैट अकाउंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल इज ऑलरेडी डेबिटेड इन दैट अकाउंट। पर फिर भी एक बच्ची ने मेरे से पूछ लिया था कि भैया क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आप नॉर्मल लॉस क्यों नहीं हटा रहे हो, तो एक तो भाई एक तो हमारी प्रिंसिपल ही वॉयलेट हो गई, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर नहीं भी कर रहा हूँ ना क्रेडिट, तो भी देखो उसका इफेक्ट अकाउंट के अंदर दिख रहा है, उसका इफेक्ट अकाउंट के अंदर दिख रहा है, कैसे, देखो 50,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, तो ये हो गया 33,000। 33,000 का क्या आ रहा है मेरे पास, 33,000 का मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 33,000। अब बाय चांस ये नॉर्मल या नॉर्मल लॉस में यहां से हटा देता, रिमूव कर देता, तो इसको रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि मेरा अकाउंट इस नेचर का बना है कि इसको रिमूव कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या एक तरीका है, या तो हम सिंपली इसको क्रेडिट करें तो हम दिखा रहे हैं कि हम परचेस से इसको हटा रहे हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट परचेस से माइनस करके दिखाएं, जैसा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, या तो हम परचेस से माइनस करके दिखाते हैं, कुछ बच्चों का वो तरीका रहता है, कुछ बच्चे क्रेडिट करते हैं। मैं बोलता हूं दोनों तरीके से कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। तो अगर मैं परचेस से माइनस कर रहा हूं, अगर मैं एबनॉर्मल लॉस को परचेस से माइनस कर रहा हूं, 2000 का लेट अस अज्यूम वी आर डिडक्टिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। इसके कारण मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा 35,000 रुपए से, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा 35,000 रुपए से। अब बताओ क्या ये अकाउंटिंग सही है, क्या मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट दिख रहा है जॉइंट वेंचर का? नहीं भैया, आपको तो 2000 का नॉर्मल या नॉर्मल लॉस भी हुआ है ना, दो हजार क्यों ले लिया, मैं तो 5,000 उसको लेके चला था ना, चलो इसको 5,000 कर दो, तो ये 3,000 से और बढ़ गया, 38,000 हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने ये 5,000 का नॉर्मल या नॉर्मल कोई भी लॉस हुआ था उसका मैंने इम्पैक्ट दिखा दिया यहाँ पर, उसका मैंने इम्पैक्ट दिखा दिया यहाँ पर। प्रॉब्लम ये हो गई, मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट होकर दिखने लगा, मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट। और बाय चांस चलो मान लो मैंने एबनॉर्मल लॉस दिखा दिया, तो अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। मैं सारे पॉसिबल केसेस डिस्कस कर रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, मैं ये एंट्री पास करूंगा। दूसरी एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो मेरे को बताओ, कान इधर से पकड़ो, जॉइंट वेंचर में डायरेक्ट लॉस दिखा दो, है ना, उसको माइनस मत करो, जॉइंट वेंचर डायरेक्ट लॉस दिखाने लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम यहां पर इसको माइनस नहीं करते तो ये 10,000 होता, और अगर ये 10,000 होता तो प्रॉफिट तुम्हारा ऑटोमेटिकली 5,000 से कम दिख रहा है, ऑलरेडी 5,000 से कम दिख रहा है। या इधर से पकड़ो, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट तुम खोले और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके गिरा, तो अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस तो हुआ ना, चाहे यहां हुआ चाहे यहां हुआ, हुआ ना बिजनेस का लॉस, हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसिडर एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। इफ वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स, आवर प्रॉफिट इज गोइंग टू इन्फ्लेट, एंड ऑल्दो वी हैव टू ओपन अनदर अकाउंट for no purpose we have to open another account for a temporary basis of accounting, why we are going to increase our work basically। अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना, तुम लोग ना सी ए सी एम ए लोगों की सैलरी बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन लोग दिमागदार नहीं होते क्या, बहुत गणितबाज होते हैं उन लोग भी, ठीक है, उन लोगों को पता है पैसा कहाँ से बचाना है। अगर लोग जबरदस्ती की अकाउंटिंग करवाएंगे तो हम लोग ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, सी ए सी एम ए हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, तो दैट्स वाई वी वॉन्ट टू रिड्यूस द अकाउंटिंग, ठीक है। और वैसे भी अकाउंटिंग जो है वो लोगों को फैसिलिटी के लिए, ना कि उनको लूटने के लिए, है ना, तो इस वजह से हम लोग नहीं कंसिडर करते, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को एक जो एडिक्वेट जो हमारा प्रॉफिट आने वाला है, सही प्रॉफिट आने वाला है, वो दिखेगा, तो इसलिए हम लोग एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं करते, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, सिंपल सी बात है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर,
कोवेंचर को क्रेडिट कर देंगे, कोवेंचर का कैपिटल हम प्रॉफिट से बढ़ा देंगे। इसका उल्टा लॉस हो गया, लॉस कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, कोवेंचर का कैपिटल को कम कर देंगे डेबिट करके, डेबिट करके क्या कर देंगे कम कर देंगे। याद है अकाउंटिंग का रूल, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट, और कम होता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट ये हो सकता है मुझे पेमेंट करना पड़े कोवेंचर को, तो एंट्री होगी कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर आता है। और अगर कोवेंचर कोई बहुत ज्यादा विड्रॉल ले गया, बहुत ज्यादा मशीन वशीन ले गया, मटेरियल जो बचा हुआ था ले गया, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें कोई कोवेंचर हमको पैसा दे रहा हो। ठीक है, तो उसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर। ठीक है, तो ये हुआ मेरा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट पार गई होगी, व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। दूसरा मेथड, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, सिंपल सी बात है, इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचरर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि देखो दोनों को वेंचरर थे, कौन कौन था, एक्स और वाई थे। एक्स और वाई बोले, एक्स और वाई का ये कहना था कि तुम भी कॉन्ट्रैक्टर हम भी कॉन्ट्रैक्टर, तुम भी कॉन्ट्रैक्टर हम भी कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे पास भी बैंक अकाउंट है हमारे पास भी बैंक अकाउंट है ना, दोनों के पास बैंक अकाउंट है, तुम्हारे पास भी बैंक अकाउंट हमारे, तो क्यों एक थर्ड बैंक अकाउंट खोले, छह महीने का समय, आठ महीने का समय, एक साल का समय, फालतू में थर्ड बैंक अकाउंट खोलेंगे, चार्जेस अलग लगेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग के ये सब चीजों के ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस लगेंगे, क्यों ना पैसा बचाया जाए, तुम्हारे पास भी बैंक है हमारे पास भी बैंक है। एक काम करते हैं, दोनों अपनी बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, ये चीज तो कॉमन है, दोनों अपनी बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बुक में अपना भी अकाउंट बनाऊंगा, तुम्हारा भी अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट मैं मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी बुक में मैं तुम्हारा अकाउंट मेंटेन कर लेता हूँ, तुम अपनी बुक में मेरा अकाउंट मेंटेन कर लो, मैं तुम्हारे मेरे दोनों खर्चे रिकॉर्ड करूंगा, तुम भी मेरे और अपने दोनों खर्चे रिकॉर्ड करना, दोनों बना लेते हैं, लास्ट में टैली करेंगे, सेम आ गया, मतलब अकाउंटिंग सही है, गलत आ गया तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, इसी हाथ लगे हाथ क्रॉस चेक भी हो जाएगा अगर गलत आ गया तो। ठीक है, तो तुम भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, हम भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और मैं भी तुम्हारे हमारे दोनों खर्चे रिकॉर्ड करूंगा, तुम भी तुम्हारे हमारे दोनों खर्चे रिकॉर्ड करना, इससे क्या होगा लास्ट में हम टैली कर लेंगे, अगर कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो उसको सही कर लेंगे, और लग गया तो हमको ज्वाइंट बैंक भी नहीं खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा जो कि अगेन पीएनएल अकाउंट का ही काम करेगा। ठीक है, पीएनएल अकाउंट का, और जो अदर कोवेंचर अकाउंट बनेगा वो कैपिटल अकाउंट का काम करेगा। ठीक है, अदर कोवेंचर अकाउंट कैपिटल अकाउंट काम करेगा। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री देखें, देखो ज्वाइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ ईच कोवेंचरर, ठीक है, और नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स भी बोलते हैं इसको। तो पहले सबसे पहले क्या काम होगा, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुल रहा है? नहीं भैया, वही पिछले वाली सीक्वेंस याद करो, सबसे पहले बिजनेस में पैसा आएगा, तो इस बार तो बिजनेस में पैसा आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि ज्वाइंट बैंक नहीं खुलने वाला है, वो बोला कि तू अपना पैसा अपने से पेमेंट करना, मैं अपना पैसा अपने से पेमेंट करूंगा, पर दोनों ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड करेंगे एक दूसरे की, दोनों एक दूसरे की ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड करेंगे, बट अपने पैसे से पेमेंट करो, मैं अपने पैसे पेमेंट करता हूँ, लास्ट में हम लोग देख लेंगे, लास्ट में हम लोग सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप यहाँ पर नहीं होगा, पहला वाला स्टेप यहाँ पर नहीं होगा, कौन सा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला। दूसरे स्टेप से चालू करते हैं भैया, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप लाएंगे एसेट, मिक्सिंग मशीन खरीद के लाएंगे, सीमेंट परचेस करके लाएंगे, गिट्टी परचेस करके लाएंगे, सारे सामान परचेस करके लाएंगे, वेजेस का पेमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, सारे लोगों को पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस इन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, बहुत सारे एक्सपेंसेस इन करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के, तो खर्चे करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम खर्चे करेंगे, खर्चे में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। तो अब हम अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को लेके चलते हैं, और मैं मान के चलता हूं वी आर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, वी आर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। मैं तुम लोगों को रीजन बता रहा हूं, क्वेश्चन में तुम लोगों को ना दोनों की बुक में एंट्री बनाने नहीं बोलेगा, तुमको क्वेश्चन बोलेगा मेक जर्नल एंट्रीज या मेक लेजर अकाउंट द बुक्स ऑफ एक्स, मेक लेजर अकाउंट द बुक्स ऑफ वाई। वाई बिकॉज भाई तुम एक्स का बनाओ चाहे तुम वाई का बनाओ, दोनों सेम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जॉइंट वेंचर ही बना रहे हैं ना, तो तुम एक्स का बनाओ चाहे तुम वाई का बनाओ, दोनों सेम ही बनेगा। तो इसलिए क्वेश्चन तुमसे दो दो डिमांड नहीं करेगा, तुमको बोलेगा एक्स की बुक में बना के दिखाओ या वाई की बुक में बना के दिखाओ, अकॉर्डिंगली तुमको बनाना है। तो मान लो मैं एक्स की बुक में कर रहा हूं एंट्री, ठीक है, तो एक बात बताओ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा, क्यों? क्योंकि खर्चा हुआ है। कैसा खर्चा हुआ है? एसेट, मटेरियल, एक्सपेंस, किसी प्रकार का खर्चा हुआ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर एक्स अपनी जेब से खर्चा किया है, अगर एक्स अपनी जेब से अपने जेब से निकाला और ये दे दिया पैसा, तो अगर वो अपनी जेब से खर्चा किया है तो बताओ उसका कैश या बैंक गया? अगर वो कैश दिया है तो कैश गया, अगर वो पेटीएम या फोन पे किया है तो उसका बैंक गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर वो अपने खुद के पैसे से पेमेंट किया है तो। अगर
ये बात याद रखना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो अभी है नहीं, पिछले क्वेश्चन में कोई भी पेमेंट हो रही थी ज्वाइंट बैंक से जाएगी, ज्वाइंट बैंक से जाएगी, ज्वाइंट बैंक से जाएगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है कोवेंचर किया तो कोवेंचर हो जाता था, पर इस सिचुएशन में तो ज्वाइंट बैंक है ही नहीं, तो वो या तो अपने जेब से पेमेंट करेगा और या तो वो जो दूसरा कोवेंचर है कौन, वाई, या तो वो दूसरा बंदा है वाई, वो किया होगा कोई खर्चा, हो सकता है ना वाई कोई खर्चा किया हो, वाई खर्चा किया, बोला हेलो मैं 50 बोरी खरीदा हूं अपने पैसे का, ऐसे करके बताया, तो अब ये क्या एंट्री पास करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट, कोवेंचर मतलब वाई अकाउंट, कोवेंचर मतलब वाई, वो वाई को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्यों, क्योंकि वाई ने तो खर्चा किया ना, वाई ने खर्चा किया तो वाई को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब वाई का कैपिटल बेसिकली बढ़ गया, अगर वाई ने अपनी जेब से खर्चा किया तो वाई का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसीलिए कोवेंचर अकाउंट और ही इज मेंटेनिंग वाई अकाउंट, ठीक है, तो ऐसा होगा। और अगर इस सिचुएशन में वाई का अकाउंट देखते तो वाई एक्स को क्रेडिटर बना देता, y x के कैपिटल को बढ़ा देता क्रेडिट करके, अगर y अपनी बुक में एंट्री कर रहा होगा इस टाइम पे, इमेजिन करो y भी अपनी बुक में एंट्री कर रहा है और x ने खर्चा किया है, x ने ये वाला खर्चा किया, ये वाला टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो सिचुएशन में x कॉल करके y को बताता, y अपनी बुक में एंट्री पास कर लेता ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू x अकाउंट, ठीक है, और अगर y खर्चा किया तो x के एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू y अकाउंट, ये सिचुएशन है, मतलब दोनों दोनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एक्स अपना भी रिकॉर्ड करेगा y का भी रिकॉर्ड करेगा, अगर अपना रिकॉर्ड करेगा तो टू कैश कैश चला गया, और अगर वाई का रिकॉर्ड करेगा तो टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट उसका कैपिटल बढ़ा देगा। दूसरा, एनी मटेरियल और एसेट सप्लाई, भाई अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टर है और दोनों पहले से ही यही सब काम करते हैं तो हो सकता है उन लोग के पास पहले से मिक्सिंग मशीन हो सकता है उन लोग के पहले से सीमेंट हो सकता है उनके पास पहले से गिट्टी हो, ये सारी चीज, तो उस सिचुएशन में अगर उन लोग अपने पास जो सामान पहले से पड़ा हुआ था उसको सप्लाई कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे, उनके पास जो सामान पहले से पड़ा हुआ था उसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो खर्चा मतलब बेसिकली आया है सामान, ठीक है, एक्सपेंसेस है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। टू, अब अगर वो अपना सीमेंट गिट्टी रेती ये सब सप्लाई कर रहा है तो टू परचेजेस लिखेगा, क्यों, क्योंकि उसने परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा। अब ये परचेजेस बिना बीके जा रहा है, बिना बीके जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ना, बिना बीके अगर तुम्हारे मटेरियल गुड्स धंधे का सामान अगर बाहर जाता है तो हम लोग परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। किस किस सिचुएशन में वैसे करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, और तुम्हारा ये देखो ये एक सिचुएशन हो गया, ठीक है, तो टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अगर वो कोई एसेट दे रहा है, कोई मिक्सिंग मशीन दे रहा है, कोई मशीन दे रहा है तो टू एसेट अकाउंट, एसेट भी चला गया, ठीक है, एसेट चला गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और अगर यही सेम चीज कोई मटेरियल या कोई एसेट वाई सप्लाई कर रहा है, कोई मटेरियल या कोई एसेट अपने पास जो उसके पास पड़ा हुआ था वाई के पास वो अगर सप्लाई कर रहा है तो टू वाई अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, क्लियर हो गई बात, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बाय अकाउंट। तो ये हुआ एनी मटेरियल एसेट सप्लाइड बाय द क्या बोलते हैं कोवेंचर्स, ठीक है। तो अगर खुद सप्लाई करेगा तो टू परचेस करेगा, गुड्स चला गया, टू एसेट करेगा, एसेट चला गया, और अगर वाई सप्लाई किया तो वाई को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई रिसिप्ट हुई, इसके बाद क्या हुई, कोई रिसिप्ट हुई, मेरे को कोई पैसा मिला, तो अगर मुझे मिला जिसके बुक में ये बन रहा है, किसके बुक में बन रहा है, एक्स के बुक में बन रहा है, तो अगर एक्स को पैसा मिला तो एक्स तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, कैश या बैंक जिसमें भी मिला कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। अगर वाई को मिला तो वाई अकाउंट डेबिट करेगा, अगर वाई को मिला तो वाई को अपडेटर बनाएगा तो वाई अकाउंट डेबिट करेगा, यानी कि कोवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड डाल देंगे क्योंकि इनकम बुक हुई, इनकम बुक की रिसिप्ट हुई मतलब इनकम बुक हुई, तो ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनी मटेरियल एसेट टेकन ओवर बाय कोवेंचर, अगर कोवेंचर कोई एसेट मटेरियल या कुछ लेके जा रहा है तो सबसे पहली बात, अगर एक्स की बुक में बन रहा है और एक्स ही कोई मटेरियल लेके जा रहा है तो वो मटेरियल आ रहा है, धंधे का सामान गुड्स उसके पास आ रहा है तो वो क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो उसके पास आ गया तो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। अगर कोई एसेट आ रहा है, अगर कोई एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। तो ये तो वो बात हो गई जब एक्स लेके जा रहा है, ये तो कौन सी बात हो गई जब एक्स लेके जा रहा है, जब वाई लेके जाएगा तब तो वाई को डेबिट कर देंगे क्योंकि वाई का कैपिटल हमको रिड्यूस करना है, वाई का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, तो y अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये सब तुम लोग लिख सकते हो, ये सब मेरे क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मतलब वी आर जस्ट मेकिंग द अकाउंटिंग, ठीक है, वी आर प्रोड्यूसिंग द अकाउंट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एट पार लेके जाना चाहते हैं हम, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कोई एंट्री नहीं होती इसकी, प्रॉफिट हुआ ज्वाइंट वेंचर में तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब इस सिचुएशन में तुम समझो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन अब जिसकी बुक में बन रहा है, जिसकी बुक में बन रहा है वो तो अपना प्रॉफिट डायरेक्टली बुक कर लेगा, डायरेक्ट बुक कर लेगा अपना प्रॉफिट, तो डायरेक्ट डाल देगा टू पीएनएल अकाउंट में। तो जैसे एक्स की बुक में बन रहा है तो एक्स डायरेक्टली टू पीएनएल करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट को भेज देगा, और
जो वाई का प्रॉफिट है उसको वाई के अकाउंट में भेज देगा। तो टू वाई अकाउंट यानी कि टू कोवेंचर अकाउंट, ठीक है, कोवेंचर मतलब वाई हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो टू वाई अकाउंट वाई का प्रॉफिट वाई के क्रेडिट साइड भेज देगा, उसके कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है। फिर लॉस हुआ अगर तो लॉस हुआ तो वो डायरेक्ट अपने पीएनएल के डेबिट साइड भेजेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और वाई के डेबिट साइड भेज देगा उसके कैपिटल को कम करने के लिए, तो वाई अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और फिर फाइनल सेटलमेंट वही हो सकती, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, हो सकता है मुझे वाई को पेमेंट करना पड़े या हो सकता है वाई मुझे पेमेंट करे। तो फाइनल सेटलमेंट तो केस टू केस वेरी करती है, बेसिकली बैलेंसिंग फिगर आता है। तो ये हुआ हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट में तो तुम लोग को क्लियर डिफरेंस दिखता होगा भैया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना था, जॉइंट बैंक अकाउंट बना था, को वेंचर अकाउंट बना था, एक अलग अलग ही अकाउंटिंग हुई थी, ना इसकी बुक ना इसकी बुक, बीच की बुक की अकाउंटिंग हुई थी, ना ये बनाया ना ये बनाया, बीच में दोनों बनाए, ठीक है, ऐसे बीच में एक ही बुक बनाया और दोनों फिर फाइनल सेटलमेंट करके निकल लिए पैसा लेके। दूसरे सिचुएशन में दोनों अपनी अपनी बुक में बनाए, दोनों ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाए और दोनों पहले अपना खुद का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड किए, सामने वाली पार्टी का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड किए, दोनों पार्टी का ट्रांजेक्शन यहां पर हुआ रिकॉर्ड, दोनों पार्टी का, ठीक है, एक्स का भी रिकॉर्ड हुआ वाई का भी रिकॉर्ड हुआ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। और जैसे एक्स अपनी बुक में बना रहा है तो वाई का अकाउंट भी बनाएगा, और अगर वाई अपनी बुक में बना रहा है तो एक्स का अकाउंट बनाएगा, ताकि फाइनल सेटलमेंट का ड्यू निकल सके, फाइनल सेटलमेंट का ड्यू निकालने के लिए। थर्ड केस में मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता है, जो कि पीएनएल अकाउंट टाइप का काम करता है, और ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट बनता है, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। अब इसमें क्या डिस्कशन हुई एक्स और वाई के बीच में, मैं दो मिनट बताता हूँ। चलो थर्ड मैटर कर लिया जाए दोस्तों, देखो थर्ड मैटर है तुम्हारा मेमोरेंडम वाला मेथड है, जिसे तुम लोग बता दिए ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। तो इस पे पहले इन लोगों के बीच में बात क्या हुई पहले मैं तुमको वो बताना चाहता हूँ। तो एक्स और वाई फिर से आए बात करने, फिर आए बात करने, तो लोग बोले ऐसा करते हैं हम लोग ना, मैं सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, तू सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया। बोला जॉइंट वेंचर, यार क्या है जॉइंट वेंचर, गोइंग कंसर्न भी नहीं है, चार महीने का काम है, एक साल का काम है, छह महीने का काम है, क्यों सिरदर्द पालना, क्यों अकाउंटिंग काम रहना, क्यों सीएसीएमएल की अर्निंग बढ़ाना, क्यों करना, एक काम करते मैं खुद ही सारे अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, तू खुद सारे ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड कर, लास्ट में जो सेटलमेंट आएगी पैसा देंगे लेंगे रफा दफा करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो इस वजह से ये वाले मेथड का जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम मेथड। और इसी वजह से यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है वो मेमोरेंडम नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? मेमोरेंडम नेचर का। तो देखो जरा, ये देखो, अगर कोई मटेरियल सप्लाई हुआ, एनी मटेरियल एसेट सप्लाइड बाय ओन, खुद मैंने सप्लाई किया, तो मैं जो मेरा एक लौता जो मेरा अकाउंट बन रहा है, मैं पहले बता दूं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत सिंपल सा नेचर है, क्योंकि नाम में मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम मतलब सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए डमी अकाउंट बनाया जा रहा है। मेमोरेंडम मतलब होता है सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए डमी अकाउंट बनाया जा रहा है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। पर मैं गेम बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो अकाउंट है तुम्हारा, सेम टू सेम बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरह, सेम फोटोकॉपी ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो पहले मेथड में, दूसरे मेथड में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, वही तीसरे मेथड में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से बन जाता है और वर्किंग नोट का एक प्यारा सा हिस्सा बन के रह जाता है जिंदगी में। यस, ठीक है। तो देखो एंट्री नंबर वन, तुमको ध्यान में क्या रखना है, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट तुम बनाने वाले हो। तो जैसे एक्स की बुक में एंट्री हो रही है तो वाई वहां पर को वेंचर की जगह वो वाई लिख देगा, यहाँ को वेंचर की जगह वो वाई लिख देगा। अगर एक्स की बुक में एंट्री हो रही है और वाई की बुक में एंट्री हो रही है तो वो एक्स लिख देगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई मटेरियल मैं खुद सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एसेट मैं खुद सप्लाई कर रहा हूँ, क्या एंट्री पास करूंगा? जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट, एक्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू अगर मैं अपना मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ तो टू परचेज अकाउंट, अगर मैं अपना एसेट सप्लाई कर रहा हूँ तो टू एसेट अकाउंट, ठीक है। सेकंड में मैंने कोई खर्चा किया तो मेरा कैश और बैंक चला गया, डेबिट क्या होगा? वही एक लौटा अकाउंट, जो एक ही अकाउंट बन रहा है वही डेबिट होगा। तो जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। थर्ड में कोई एसेट मटेरियल सप्लाई हुआ, कोई एक्सपेंसेस इनकर हुआ बाय को वेंचरर, सीक्वेंस वही है जो हम लोग पहले दो मेथड में लेके चले, वही सारी चीज हम सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब को वेंचरर सप्लाई कर रहा है मटेरियल एसेट, इसकी एंट्री इस मेथड में नहीं होगी। वाई? बिकॉज वी डिसाइडेड कि एक्स अपने ट्रांजेक्शन बस लिखेगा, वाई सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, एक्स बस अपने लिखेगा, वाई बस अपने लिखेगा। तो वाई के द्वारा किया हुआ खर्चा दोस्तों मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। वाई के द्वारा खर्चा किया हुआ खर्चा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ओन, अब गुड्स मैं खुद ही सेल कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसा, ठीक है। अब एक चीज और बात है, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं भैया क्रेडिट सेल नहीं होती क्या? तो होती है ना क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल होगी तो डेटर लिख देना, ठीक है। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट सेल हुई तो डेटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट,
ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट साइड चला गया, क्यों? क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बुक हो गया तो क्रेडिट साइड चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, अगर को वेंचरर यानी कि वाई सेल कर रहा है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी मेरी बुक्स में, क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, वाई के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं जिसकी बुक में एंट्री हो रही है, नहीं एक्स, एक्स अगर कोई मटेरियल या एसेट ले गया, ठीक है, कोई मटेरियल या एसेट ले गया, तो भाई अगर मटेरियल ले गया तो परचेस अकाउंट डेबिट, एसेट ले गया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, सिंपल। अगर कोई मटेरियल वो ले गया, वो कौन, वाई, तो नो एंट्री मेरी बुक में, मेरी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। एक चीज याद रखना, एक्स की बुक में जो एंट्रियां हो रही है वो वाई की बुक में नहीं होगी, और वाई की बुक में जो एंट्रियां हो रही है वो एक्स की बुक में नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों अपनी अपनी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डायरेक्ट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा। अगर कोई लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, और फाइनल सेटलमेंट में ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर मेरे को पैसा देना पड़ा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट अगर उसने मुझे पैसा दिया। फाइनल सेटलमेंट में तो बैलेंसिंग फिगर आता है। ठीक है, तो ये तुमको डिफरेंस दिखा। अब तुम लोग को मैं एक बार की टेक अवेज बताऊं तीनों मेथड के कंक्लूजन का। भाई पहले मेथड में ये ना ये बना रहा था ना ये बना रहा था, दोनों आके मिलके यहाँ बीच में अकाउंट बना रहे थे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना रहे थे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बना रहे थे, और अपना खुद का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे जिसको हम को वेंचर अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बुक में सारी एंट्री करता हूं, तू अपनी बुक में सारी एंट्री कर, मैं तेरी भी एंट्री करूंगा, अपनी भी एंट्री करूंगा, तू मेरी भी एंट्री करना, अपनी भी एंट्री करना। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और दूसरे वाले बंदे का को वेंचर अकाउंट भी बनाएंगे ताकि बैलेंसिंग फिगर निकाल पाए कि क्या बैलेंस आ रहा है। तीसरे मेथड में बोला कि मैं सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं, तू सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, मैं सिर्फ अपने करता हूं, तू सिर्फ अपने कर। ठीक है, अब बस और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट तो ज्वाइंट वेंचर का निकालना ही पड़ेगा। तो हमने मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया। किसका कंस्ट्रक्शन किया? मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। ये एक चीज याद रखना, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर की जर्नल एंट्री नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ डमी अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स ऑल। तो ये वर्किंग नोट का पार्ट बन जाता है, ये अपने आप किसका पार्ट बन जाता है? वर्किंग नोट्स का पार्ट बन जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया, हमने तीनों मेथड रिकलेक्ट कर लिए। अब आप आगे बढ़ सकते हो और जाके वीडियोस को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत शिद्दत से, ध्यान से। मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, डायरेक्ट, ठीक है, फाउंडेशन में पढ़े हुए हो ना तो डायरेक्ट कोशिश कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ एक आध गलती हो गई ना, चेक कर लेना फिर वीडियो ऑन करके। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल टिप। एक्चुअली मैं बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी, सीधा क्वेश्चन उठाओ, चालू करो सॉल्व करना। एग्जाम थोड़ी है, गलती होगी तो चलेगा, एग्जाम में गलती होगी तो नहीं चलेगा, इधर गलती होगी एक नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, गलती होगी वीडियो देखना, करेक्ट कर लेना गलती को। ठीक है, बाकी तुम लोगों से मिलता हूँ क्वेश्चंस वाले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।